श्रवण और शांति शहर में मजदूरी किया करते थे। शांति, गांव से माँ का फोन आया था। क्या कहा माँ ने? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। तो आपने क्या कहा? मैंने डॉक्टर को दिखाने बोला है। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने ज्यादा पैसे मनी ऑर्डर कर दूं। माँ के इलाज में पैसे तो लगेंगे ही ना? हाँ बिल्कुल, चलिए अब मैं काम करती हूँ, वरना सुपरवाइजर देखेगा तो डांटेगा। हाँ हाँ। सुबह से शाम तक दोनों मजदूरी करते थे। श्रवण और शांति ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर लिया था। शाम को काम के बाद वो लोग रूखा सूखा खाकर सो जाते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मजदूरी करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक शाम को श्रवण और शांति घर पहुंचे ही थे कि उनका पड़ोसी उनके पास आया। भैया, तुम्हारे गांव से किसी का फोन आया था, कह रहा था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्द से जल्द गांव बुलाया है। हे राम। चलिए अभी रात की बस मिल जाएगी हमें। हाँ। श्रवण और शांति ने रात की बस पकड़ ली और जल्दी जल्दी में अपने गांव के लिए निकल गए और अगली सुबह वो लोग अपने गांव पहुंचे। श्रवण की माँ रमा बिस्तर पर पड़ी थी। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, तुझे देखने के लिए ही अब तक मैं जिंदा थी। माँ, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुझे और बहू को देख लूं बस वही ख्वाहिश थी, अब वो पूरी हो गई। ऐसा मत बोलिए माँ जी। श्रवण, मेरी एक बात मानेगा? हाँ माँ, बोलो। मैं चाहती हूँ कि इन खेतों में हमारे पूर्वजों ने खेती की है, तू भी वही खेती कर और इस गांव को छोड़कर शहर ना लौटे। पर माँ, हमारे खेत तो बंजर हो चुके हैं। जानती हूँ, पर तेरे परदादा जी ने भी बंजर खेतों को ही उपजाऊ बनाया था, तू भी एक बार कोशिश कर ले। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। माँ। श्रवण की माँ ने अपना देह त्याग दिया। श्रवण और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी की आखिरी इच्छा यही थी कि हम खेती करें। हाँ शांति, पर वो खेत बंजर हैं। कोई बात नहीं, हमने भी तो जिंदगी भर मजदूरी की है, मुझे यकीन है कि हम बंजर खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। हाँ बना तो सकते हैं, पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। आशा है कि वो खेत उपजाऊ हो जाए। अगले दिन श्रवण और शांति दोनों खेत में गए। यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, पहले हमें इन सबको हटाना होगा। हाँ चलो। शांति और श्रवण ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाए और फिर मिट्टी को पीटने लगे। इस मिट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में घर चली जाना, तुम्हें खाना भी तो बनाना होगा ना। हाँ, लेकिन तब तक आपकी मदद तो कर लूँ। दोनों हथौड़े से मिट्टी पीटते रहे। कुछ देर बाद शांति ने हथौड़ा वहीं रख दिया और घर के लिए निकल गई। शांति ने घर जाकर खाना बनाया। सांझ हुई और थका हारा श्रवण घर लौटा। शांति उसके लिए पानी ले आई। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी होगी, खाना तैयार है। कुछ देर में खाता हूँ। शांति समझ गई कि श्रवण बहुत ज्यादा थक गया है और वो उसके हाथ दबाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारे खेत भी उपजाऊ बन जाएंगे। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और थकान की वजह से दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों को उपजाऊ बनाने में जुटे रहे। अब ये मिट्टी सही लग रही है,
लेकिन अब भी मिट्टी में पानी की कमी है। कल से हम नहर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है, नहर बनाने का काम शुरू था। शांति और श्रवण ने अपने खेतों से नदी तक की नहर बनाई और तब जाके उनके खेतों तक पानी आया। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में हम बीज बो सकते हैं। हाँ, अब लग रहा है कि हमारे खेतों में भी जल्द फसल उगेगी। हाँ बिल्कुल उगेगी। इतने दिनों की कड़ी मेहनत बाद आज श्रवण और शांति के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगले दो दिन श्रवण और शांति ने आराम किया। श्रवण ने बीज भी खरीद लिए और फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। शांति घर से कुछ और बीज ले आई थी। वो कौन सा बीज है? ये धनिये के बीज हैं, मुझे घर में मिले। धनिये की फसल 8-10 दिनों में ही उग जाएगी। अच्छा है, कम से कम कुछ तो होगे। बीज बोना खत्म हुआ। कल से तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है शांति, मैं खेतों में पानी सींच दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे करता ये सब? लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर ऐसा क्यों सोचना? अब तो बस फसल उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। हाँ। श्रवण और शांति को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब श्रवण अपने खेतों में पहुँचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। श्रवण को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं था। ये मेरे ही खेत है ना? श्रवण परेशान था, वो दौड़कर घर गया। शांति, फसल उग गई। क्या? हाँ, सारी फसल उग गई है। शांति और श्रवण दोनों खेत लौटे। शांति भी दंग थी। ये तो अद्भुत है। हाँ। फिर दोनों ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की। सुबह से रात हो गई। अब घर चलते हैं, बाकी कल काटेंगे। हाँ, मैं बस थोड़ा हरा धनिया ले लूं, दाल बनानी है। शांति ने हरा धनिया तोड़ लिया। घर जाकर शांति ने दाल चावल बनाए और जैसे ही उसने दाल में हरा धनिया डाला तो वो दाल सोने में बदल गई। अजी, ये देखिए। सोने की दाल? ये धनिया मैंने दाल में डाला और दाल सोने की बन गई। इसका मतलब ये जादुई धनिया है। तुमने खेत में इसके बीज बोए थे, इसलिए एक रात में ही हमारी सारी फसल उग गई और अब इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उस सोने को बेचकर श्रवण ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अजी, आप नौकर क्यों नहीं रख लेते काम करने के लिए? अब तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास भले ही सब कुछ है, पर एक वक्त था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जादू धनिया का एक बीज और हमारे खेतों ने हमारा नसीब बदल दिया। मैं जिंदगी भर अपने खेतों पर खुद ही काम करूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी। अमीर होने के बावजूद शांति और श्रवण किसानी करते रहे। ये तो उनकी सादगी थी। पैसा था, पर पैसे का अहंकार नहीं था।